शुरू की है हमारी टर्बो। और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुलाय व्लॉग, इट्स मी खुबैब व्लॉग। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार व्लॉग। तो क्यों आज का व्लॉग बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि यार मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग में इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वैसे मैं काफी बार जा चुका हूँ, लेकिन व्लॉग बनाता हुआ मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। यूके वाले मूसा को छोड़ने के लिए मेरी फैमिली साथ गई है, तो हैदरों मेरी जगह नहीं थी, तो हमने बस की टिकट्स करवाई हैं। अफ्तार ये हमारी एक जगह पे हमारे कजन के पास, वो अफ्तारी करेंगे और फौरन निकलेंगे हम इस्लामाबाद के लिए, तो आप हमारे साथ रहिए। तो यार हैदी पप्पू बन के आ गया और अपनी कटिंग वगैरह तूने यार देर करवा दी, भी अफ्तारी भी है कजन की तरफ। तू अपने जोड़ सूट वगैरह तो दे, ये सारे लंडे के मेरे सूट हैं। लंडे के ये नहीं है, लंडे के सारे सूट पड़े हैं। कुछ नहीं होता, जल्दी ले चलते हैं यार, देर हो रही है। फिर अभी टिकट्स भी मैंने नहीं ली, कटिंग मैंने दुबई वाली करवाई, कपड़े मेरे लंडे वाले हैं। यार हैदर की वजह से लेट हो गए हैं काफी सारा, क्योंकि ना हैदर नहा रहा था, कटिंग करवाने गया हुआ था। अब जिधर हमारी अफ्तारी थी, सिर्फ मैंने घर में ना सिर्फ पानी का घूंट पिए, तो अब हम अफ्तारी पर जा रहे हैं और वहां से हम किसी को कहेंगे कि हमें ना टर्मिनल पर ड्रॉप करें, ताकि हम इस्लामाबाद के लिए निकल जाएं। वो लोग गए हैं सिविक पर और मैं हमारी जगह उसमें नहीं थी, अब हम जा रहे हैं बाइक पर। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ अभी अफ्तारी पे। अच्छा, हाँ आप होंडे में जा रहे हैं? अरे कहना क्या चाहते हो, पागल हो गए, होंडे पे कौन इस्लामाबाद जाता है, मैंने बस पे जाना है। अच्छा, मैं खींच के जा रहे इसलिए मैं कह रहा था। नहीं नहीं ठीक है, ओके हैदर को भेज जल्दी कर। ठीक है भेज रहा हूँ बस। ओके तो यार नवाज हमें ड्रॉप करके वापस घर जा रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल पे और यहाँ से टिकट्स वगैरह लेते हैं। यार बिजनेस क्लास की दो टिकट्स मिल गई हैं और 7 और 8 चेयर मिली है, ये देख सकते हैं खुबैब बलोच के नाम से। तो टाइम हो रहा है 8 बजने में से 5 मिनट रहते हैं, 9 बजे हमारी रवानगी है यहाँ से। हैदर को गेन वॉशरूम आ चुका है और मैं ये बिजनेस लॉन्च के सामने वेट कर रहा हूँ। Few minutes later। तो यार ये सामने हमारी बस आ चुकी है, चलते हैं और बैठते हैं इसमें। खाने पीने का सामान भी चला है, ठीक है। रखे थे बहुत सारे बिस्किट्स और काफी सारे चीजें रखी थी, शहरी के टाइम वहाँ पे जाकर पहुँचेंगे यार। तो यार हैदर और मैं ना गाड़ी में बैठ चुके हैं और इजीली मुझे लगता है कि आज हमें मसाज वाली सीट नहीं मिली, क्योंकि वैसे तो मसाज वाली सीट मिलती होती है ना। तो बस ये हमारी थी 7 और 8, तो हम बैठ चुके हैं बिजनेस क्लास में, देखते हैं क्या फील आता है लोकल और बिजनेस क्लास में। खाना भी मिला है, ये हैदी का है और ये भी एक लंच बॉक्स मिला है हमें, स्नैक्स और ये पानी की बोतल भी मिली है फ्री में। Few minutes later। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। A few hours later। तो यार बेरा इंटरचेंज पर रुके हैं स्टॉप के लिए, तो वॉशरूम से हमें अब कुछ खाने पीने के ढूंढते हैं, शायद यहाँ KFC था लेकिन खत्म हो गया है। अब इधर मैकडोनल्ड और हार्डी से देखते फिर क्या लेते हैं, उधर से चल के देखते हैं। 24 आवर्स के लिए मैकडोनल्ड, मोनाल भी है यहाँ पे, लेकिन मैकडोनल्ड का पता करते हैं कोई बर्गर वगैरह यहाँ से मिल जाता है। तो यार हमने ये 2 जिंगर और 1 फ्राइज हमने ऑर्डर कर दिए, टेक अवे पर ही मिल रहे क्योंकि अंदर से क्लोजिंग हो चुकी है, और इधर से हमने ऑर्डर किया और यहाँ से भी हमें मिल जाएगा। तो यार उन्होंने 5 से 6 मिनट का बोले, मैंने कि मैं बस में जा रहा हूँ, इधर तुम लेके आ जाओ। तो यार मैं बस वालों को रोकता हूँ कि वो अभी आ रहे और हम निकलते हैं। फिर इतनी देर क्यों लगा दी है, वो गाड़ी उधर से लेके आ रहे हैं, मैंने कहा उधर से आओ, हम आ गए बस। वो देखा वो गाड़ी आ रही है, देर क्यों लगा दी, बस आ गई। कमाल का सफर गुजरा है हमारा, टाइम 7 घंटे लगे हैं सिर्फ इतना रेस्ट में,
कि फील ही नहीं हुआ। बहुत जबरदस्त थे ये बिजनेस क्लास में जो बस है ना, बहुत कमाल की है। तो मेरे ड्राइवर गार्ड्स नहीं पहुंचे, बस वो रास्ते में मैंने कॉल किया, वो आने वाले हैं बस। बस उन्होंने कहा किसी से टिकट ऑफी लेके निकानी, इधर आके वेट करते हैं। हाँ बस पहुंचने वाले 5 मिनट दूर है, तो इस वजह से अंदर नहीं चलते। यार ये आ चुके हैं दोनों लोफर हमें लेने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त। ये बैग हमारा था, ओके ओके आज पकड़ लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हमारा बैग था, एक ये था और एक ये था, बस बस। क्या हाल है? ठीक हो? बहुत सफर गुजरा है ना यार, कमाल, मजा आ गया यार। बहुत देर कर दिया यार आपने, मेरा गार्ड गार्ड यार आपको पता नहीं हमारी इतनी इज्जत है और आप छोटी गाड़ी लेके आ गए यार। दोनों को गार्ड को आपको पता था गार्ड पैसल मोड़ पे आते हैं यार, जो हानि को था वो सीविक पे आते हैं। ये सिविक है, ड्राइवर को लेने आए हम, तो हमारी खड़ी है ना, आपका काम है उसको चलाना। जी जी और क्या, मसाज करवाते हैं अब, मेरा ने मसाज होगा हमारा, अभी मैं आपको मसाज कराता हूँ। जंप लगा ना थोड़ा सा। अच्छा इधर तो सर्दी है भाई, हमने तो एक जैकेट भी नहीं उठाई। मैंने तुम लोगों को कहा था लेके आना भाई, मैं तो लेके आया, हमें क्या पता था। हाँ जी तुम लोगों को कहा था मैंने लेके आना, रास्ते में फेंक दिए बस वालों ने, बस वालों ने कहा कि तेरी जैकेट लंडे की है। मैं नहीं मानता, मसाज हो गया, ओके वाला कैसा मसाज? हाँ जबरदस्त। कितना टाइम लगेगा घर पहुँचते हुए? मुझे उधर उतार दो ना अपने, मेरे जो लॉजिस में मुझे उतार दो, लॉजिस में उतार दो, लॉजिस में नहीं, हम लेंगे तुम्हें मालूम। बहरिया इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और देखते हैं कि क्या सीन है, सैरी कर लिए क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। छोड़ो ये गंदा मोबाइल है, अपनी घड़ी से देखते हैं टाइम। यार मुझे उधर पिलर पे चढ़ के ना छलांग मारने थे जैसे वो दो लगा रहे हैं। वैसे मैं पूछा थी इन्होंने, आपने ये हरकतें कर दी अब तू तंग हुआ है भाई? नहीं होगी होगी, तंग हुआ है भाई से। रास्ते मैंने पूछा कितनी बार इस बाबा को आ रही, हम फिर कुछ लेके आए या सब कुछ पड़ा है? हम 10 मिनट में ये हम वहां पहुंच गए। बाय बाय, मेरे का प्लान कैंसिल हो गया। तो यार हम घर पहुंच चुके हैं और ये रुकी है हमारी टर्बो और ड्राइवर साहब करो कपड़ा लेके आ जाओ, आज बहुत थक गई है बेचारी, इतना वजन बिठा के आई है, धरती का बोझ पे आया है आज, बेचारी थकी हुई है आज। ये तौलिया पड़ा है इसको उठाओ और इसको साफ करो, चल साफ कर इसको जल्दी। कंट्रोल कितना? तो यार अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हम इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और आज का व्लॉग एंड कर रहे हैं, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज़।